गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। मैं आशुतोष कुमार आप सभी के सामने क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर लेके आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसका लास्ट वीडियो है एज ए थ्योरी, ठीक है, एज ए थ्योरी इसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। लेकिन हम आपसे वादा किए थे, आपसे बोले थे कि हम आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी अपलोड होगा, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। सो मेनी एप्लीकेशंस है रिडॉक्स रिएक्शन का, कंबाइनेशन रिएक्शन भी, रिडॉक्स रिएक्शन का डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जैसे कोरिजन और रैंसिडिटी। लेकिन ये जो इफेक्ट है कोलिजन और रैंसिडिटी, ये ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से कोई भी मेटल्स जो होता है उसमें क्या होता है, कोरोड हो जाता है। मेटल्स क्या होता है, कोरोड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरिजन। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल्स प्लस एरियल ऑक्सीजन, एरियल यानी हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन मुझे मिलता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसी को बोलते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, मेटल्स जो होता है वो क्रूड हो जाता है। मेटल्स क्या होता है, क्रूड हो जाता है। और यह इसी प्रोसेस को होते हम लोग कोरिलेशन। तो मेटल्स किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एरियल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और उसको क्रोड बोलते हैं, और उस प्रोसेस में क्या होते हैं, कोरिजन कहते हैं। जब ये चीज हमारे आयरन के साथ होता है, हम मेटल में क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, यानी मेटल्स में क्या ले लेंगे, यहां पे आयरन ले लेंगे, और यहां पे भी हमारा क्या है, एरियल ऑक्सीजन होगा। इस कोरिजन के लिए हमारा एक वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। यानी आयरन के केस में कोरिजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। तो कोरिजन का डिफिनेशन हमारा क्या बनेगा, कि जो मेटल्स है वो एरियल ऑक्सीजन या मॉइस्चर या एसिड के प्रेजेंस में वो क्या होता है, क्रोड होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। जब आयरन में एरियल ऑक्सीजन के संपर्क में वो क्रोड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये हमारा जो एरियल होगा उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन में क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन में क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। इसका जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास वो ये होगा, Fe प्लस O2 और प्लस X2O, और यहां से ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनता है Fe2O3 इनटू, सो बोलते हैं हाइड्रेटेड, एक्स मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऐसा कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर है। कैसा है, रेडिश ब्राउन पाउडर है। ये हो गया हमारा कोरिजन के बारे में, ठीक है। तो कोरिजन हम लोग समझ गए, अब हम लोग कोरिजन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कोरिजन से हमेशा सालों साल सरकार को बहुत बड़ी नुकसान होती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या है, सीधा सा उपाय है, उसको पेंट कर देंगे, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में जिंक का हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड जिंक रखते हैं, उसमें हम लोग आयरन के नेल्स को डालते हैं, जिसमें उससे जिंक का क्या होता है, लेयर चढ़ता है, क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन, ठीक है। उसके बाद होता है एलॉय का, एलॉय समझते हैं ना, दो मेटल को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय बोलते हैं। यानी एलॉय के फॉर्मेशन से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है, तो स्टेनलेस किसके मिलने से बनता है, आयरन है,
क्रोमियम है, निकल है, इसके मिलने से क्या बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मिलने से बनता है आयरन, उसमें तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ निकेल और क्रोमियम होता है। आयरन, निकेल और क्रोमियम होता है। आयरन, निकेल और क्रोमियम के मिलने से क्या बनता है हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। तो स्टेनलेस स्टील हमारा क्या है, एलॉय है। स्टेनलेस स्टील मेरा क्या है, एलॉय है। स्टेनलेस स्टील मेरा क्या है, एलॉय है। इस एलॉय के फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, रस्टिंग को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स है, सीजर्स है, सबका फॉर्मेशन किसके होता है, स्टेनलेस स्टील के मिलने से होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, थैंक यू। कैसे प्रिवेंशन करेंगे इसके बारे में डिटेल हम लोग इन्फॉर्मेशन जो लेंगे, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा वो आपको चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना है। ठीक है, इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या है कि हम किसी भी मेटल्स को एरियल ऑक्सीजन यानी मॉइस्ट फॉर्म में रहेगा, उससे क्या होता है कि वो मेटल्स क्या होता है, क्रोड हो जाता है और प्रोसेस होता है कोरोजन। वो केस अगर हमारा आयरन के साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग। कैसे देती है, वो कैसा कलर का होता है, रेडिश हाइड्रेटेड, क्या लिखा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये अगर ये कॉपर के साथ होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। कॉपर में जो क्रूड होता है तो वो कैसा कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। आयरन में हुआ तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, और सिल्वर में जो क्रूड लगेगा तो वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। तो ये क्रोडन का, क्रोडन को पहचान सकते हैं कि अगर हमारा कोई कॉपर से बना बर्तन है वो ग्रीन कलर का हो रहा है तो समझिए कि उसमें भी जंग लग गया है। अब वो अगर कोई चांदी है उसमें ब्लैकिश कलर का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो भी हमारा क्या है, क्रोड हो चुका है, जंग लग चुका है उसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं रैंसी डीटी को। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और समझ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं रैंसी डीटी को। रैंसी डीटी क्या होता है, कुछ बड़ा कोई खास टर्म नहीं है, ये भी हमारा एरियल ऑक्सीडेशन से होता है, एरियल ऑक्सीजन होता है। जब हमारे घर में कुछ फूड वगैरह बनते हैं, वो फूड में क्या होता है, फैट और ऑयल क्या होता है, परजेंस होता है। क्या होता है हमारा, फैट और ऑयल क्या होता है, परजेंस होता है। तो फैट और ऑयल के परजेंस से क्या होता है, उस पके हुए भोजन को, अगर हम पके हुए भोजन को ताजा ताजी खा ले, यानी भोजन पका और उसको हम ताजा ताजी खा ले, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उससे कोई बैड टेस्ट, बैड स्मेल कुछ आने वाला नहीं है, वो और हमको ज्यादा स्वादपूर्ण लगेगा। लेकिन उसी खाने को एक लंबे समय तक हम छोड़ दें तो धीरे 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 क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो होते रहेगा। और वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से क्या होता है, वो खाना का क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, खराब होता है, और खाना पूरी तरह से क्या होता है, स्टेल फूड होता है, यानी खाना पूरा बासी होता है और खाना से अनप्लीजेंट उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंसी डीटी, यानी खाना रैंसिड हो गया और वो प्रोसेस क्या कहलाया, रैंसी डीटी कहलाया। तो हम रैंसी डीटी कहां समझेंगे, वैसा फूड जिसमें फैट और ऑयल से बना हुआ भोजन है उसको लंबे समय तक छोड़ेंगे, काफी देर तक समय तक छोड़ देंगे, उसे बैड टेस्ट या बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगा, उसी बैड टेस्ट या स्मेल को क्या बोलते हैं, रैंसी डीटी कहते हैं। ठीक है, रैंसी डीटी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटी, क्योंकि रैंसी डीटी किसकी वजह से हो रहा है, चलिए इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम फूड को लेंगे। ये फूड क्या होना चाहिए, किस तरह का फूड है, ये फैट और ऑयल से है। यहां भी हमारा क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एरियल ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, हमारा मिल क्या रहा है हमको, स्टेल फूड हो रहा है, यानी बासी भोजन हो रहा है। इस स्टेल फूड से हमको क्या आ रहा है, स्मेल, बैड टेस्ट या स्मेल आ रहा है। इसी बैड टेस्ट या स्मेल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रैंसी डीटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंसी डीटी, यानी वो फूड या ऑयल्स जो एरियल ऑक्सीडेशन, हरी हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में धीरे 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 वो क्या हो रहा है, आ रहा है, और धीरे धीरे आते आते क्या कर रहा है, उस खाने को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। और जो खाना खराब हो गया है ना, उसी खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंसी, घंटा क्या कहलाएगा, रैंसी डीटी। तो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट मिलाएंगे, यानी इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट मिलाएंगे। और हमारे पास एंटी ऑक्सीडेंट क्या है, इसको लिख लीजिए, बी एच ए है और बी एच टी है,
इसका पूरा नाम क्या होता है हम बता देते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। BHA का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दोनों हमारा क्या है एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या है हमारा, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, वो फूड कंपोनेंट जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो हमारा क्या है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसके बाद हम उसका और भी कुछ उपाय है, खाना को हम सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाना हमारा बना लिया हमको खाने की इच्छा नहीं है, तो हम खाना को कहां रखें कि हमारा खाना सुरक्षित रहे, तो हम क्या करेंगे उस भोजन को क्या करेंगे जो हमारा फैट वाल से बना हुआ खाना है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, इससे भी हम खाना को सुरक्षित रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, खाना मेरा सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम खाना को फ्रिज में रख देंगे जहां पे स्लो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ठंडा रहेगा खाना, खाना मेरा सुरक्षित रहेगा। तो पहला हो गया कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, खाना को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, खाना को फ्रिज में रख के भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि कुरकुरे वगैरह जो चिप्स होता है वो भी काफी लंबे समय तक क्या होता है सेफ रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लो एक्टिव गैस है, और वो नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है उसमें स्लो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, काफी स्लो होती है, जिसके कारण क्या होता है कुरकुरे चिप्स क्या होता है काफी लंबे समय तक वो क्या होता है सेफ रहता है। ठीक है, तो यह रहा आपका रैलसिडिटी और क्या रहा कोरिजन, क्या होता है रैलसिडिटी क्या होता है कोरिजन समझ गए, फूड एयर ऑक्सीडेशन स्टेन फूड हो जाता है, बैड टेस्ट स्मेल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है, आज का जो हमारा लेक्चर है था कोरिजन और रैंसिडिटी वो हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन एक काम आपके लिए बाकी है मेरे भाई, क्या काम है घर पर होमवर्क बनाना, हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे रिविजन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका भी अपनी एक क्या होता है ना बार बार ये बात का जिक्र करते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेवारी आपकी है ना, जब सरकार कोई नहीं चलता है तो बोलता है नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने पद से हटते हैं, तो आपको अपने पद से नहीं हटना है, आपको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने काम को अच्छे से करना है। और एक और बात आपसे करना है, ए टू जेड चैनल्स के माध्यम से हर चीज की पढ़ाई हो रही है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, तो इस चैनल को क्या करना है मेरे भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।